गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर वन, नोइंग अवर नंबर, पार्ट थ्री। इससे पहले हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने नंबर के बारे में जाना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आज हम पढ़ेंगे कि हमें डिजिट दी हुई होगी एंड उन्हीं डिजिट के अकॉर्डिंग यानी इन डिजिट का यूज करके हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। यानी हमारा टॉपिक क्या है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। यानी हमें कुछ डिजिट दी होंगी, उनको क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तब आप देखेंगे कि कोई भी आपको डिजिट गिवन हो, मान लेते हैं 5, 4, 3, 6, मान लेते हैं कि आपको कोई भी डिजिट गिवन है 5, 4, 3, 6, तब आपको इन फोर डिजिट का यूज़ करके स्मॉलर नंबर बनाना है। स्मॉलर नंबर, तब आप क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर के लिए आप अरेंज करोगे इन नंबर को, स्मॉलर नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे जो डिजिट आपको गिवन है उसको। क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, स्मॉलर नंबर आपको मिल जाएगा। तब आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की ओर, यानी स्मॉल से बिग की ओर। तो सबसे पहले क्या जाएगा, 3, 4, 5, 6, तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3456। ऐसे ही आप इन फोर डिजिट का यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर आप लाना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर, तब आप अरेंज करोगे, क्या करोगे, अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी डिजिट को। फोर डिजिट दी है 5, 4, 3, 6, इनको किस में, डिसेंडिंग में, और स्मॉलर नंबर किस में, किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं आपको नंबर, एंड ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दोगे। तो इन डिजिट को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो सबसे पहले क्या जाएगा, 6, इसके बाद 5, 4 एंड 3। सो ग्रेटेस्ट नंबर इज 6543। यही हमारा क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि स्मॉलर नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जब हमें गिवन, यानी हमें जब डिजिट गिवन हो।